नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूग्लिक एम टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, यूग्लिक एम टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और यूग्लिक एम टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि यूग्लिक एम टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। यूग्लिक एम एक ब्रांड नेम है। यूग्लिक एम टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। यूग्लिक एम टैबलेट के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन ग्लिकलेजाइड 80 mg और मेटफोर्मिन 500 mg होता है। जब किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल किसी एक दवा से नियंत्रण में न हो रहा हो, तब डॉक्टर दो दवाओं के कॉम्बिनेशन वाली यूग्लिक एम टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। यूग्लिक एम टैबलेट का उपयोग टाइप 2 डायबिटीज में ब्लड शुगर के लेवल को नियंत्रण में करने के लिए किया जाता है। यूग्लिक एम टैबलेट शरीर में ब्लड शुगर के लेवल को कम करती है। शरीर में शुगर के लेवल को नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि लंबे समय तक शुगर लेवल ज्यादा रहने की वजह से किडनी डैमेज हो सकती है, आँखों की देखने की दृष्टि कम हो सकती है और शरीर की नसें डैमेज हो सकती है। इसलिए शरीर में शुगर के लेवल को नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी होता है। खाना खाने के 2 घंटे बाद एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 140 से कम होता है। खाना खाने के 2 घंटे बाद यदि किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 140 से लेकर 200 के बीच में है, तो वह व्यक्ति परी डायबिटिक स्टेज पर है। परी डायबिटिक स्टेज पर शुगर लेवल को बिना दवाओं की मदद से नियंत्रण में किया जा सकता है। परी डायबिटिक स्टेज पर शुगर लेवल को नियंत्रण में करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल व खान पान में बदलाव करके ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण में किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 200 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में यूग्लिक एम टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में यूग्लिक एम टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे जुकाम होना, खांसी होना, गले या फेफड़ों में इन्फेक्शन होना, दस्त होना, कब्ज होना, उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना, शरीर के जोड़ों व मांसपेशियों में दर्द होना, मुंह के स्वाद में बदलाव होना, कमर में दर्द होना, पेट में दर्द होना और सिर दर्द होना आदि साइड इफेक्ट्स यूग्लिक एम टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा यूग्लिक एम टैबलेट को शुगर कम करने की अन्य दवाओं के साथ लेने से शरीर का ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम भी हो सकता है। यूग्लिक एम टैबलेट की वजह से एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। यदि आपको यूग्लिक एम टैबलेट को लेने के बाद सांस लेने में दिक्कत, मुंह, गले, होठों या त्वचा पर सूजन, त्वचा पर खुजली, त्वचा पर रैशेस या एकदम से बुखार होता है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण एलर्जिक रिएक्शन के हो सकते हैं और एलर्जिक रिएक्शन होने पर तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि यूग्लिक एम टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। यूग्लिक एम टैबलेट को खाना खाते समय बीच में लेना रिकमेंडेड होता है, या यूग्लिक एम टैबलेट को खाना शुरू करने से तुरंत पहले लेना रिकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर यूग्लिक एम टैबलेट को दिन में 1 से लेकर 2 बार लेने की सलाह देते हैं। यूग्लिक एम टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और शरीर में ब्लड शुगर के लेवल की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग अलग हो सकती है। इसलिए आपको यूग्लिक एम टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि यूग्लिक एम टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। शुगर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको यूग्लिक एम टैबलेट के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, चिंता व तनाव से बचना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी चाहिए और यदि आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो वजन को कम करना चाहिए। टाइप 1 डायबिटीज होने पर, किडनी फेलियर होने पर, लिवर फेलियर होने पर, कोई सर्जरी होने पर,
डायबिटिक कोमा होने पर और डायबिटिक कीटोसिस होने पर यूग्लिक एम टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। ब्लड शुगर बहुत ज्यादा कम होने से बचने के लिए आपको यूग्लिक एम टैबलेट को लेने के बाद खाने को स्किप नहीं करना चाहिए, और आपको यूग्लिक एम टैबलेट को लेने के बाद आपको अपने रेगुलर शेड्यूल पर खाने का सेवन करना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं में ब्लड शुगर के लेवल को नियंत्रण में करने के लिए इंसुलिन को ही सबसे सुरक्षित माना गया है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए यूग्लिक एम टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका यूग्लिक एम टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।